सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट आदमी कोई है इस वक्त, आज इस देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, सरकारी तंत्र गुलामी का शिकार है। सरकारी तंत्र वही काम कर रहा है। पहले तो ईडी, आईटी और सीबीआई के सारे अधिकारी बदल देने चाहिए तुरंत, जब तक ये वो आचार संहिता लागू है तुरंत बदलने चाहिए। ये लोग एक तरह से इसी तरह काम कर रहे हैं जैसे भाड़े के टट्टू काम करते हैं। अगर इनकी सबकी जाँच की जाए, सारे नेताओं को नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग इनके करवाई जाए, बीजेपी के जो नेता है, अभी इलेक्शन हो जाएगा। अगर ब्रेन मैपिंग और झूठ पकड़ने वाली मशीन पर प्राइम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को लिटा लो तुरंत, इनको अगर ये पाए गए तो बिना इलेक्शन के देश पूरा इनके साथ हो जाएगा और उस तरह ये लोग जेल में जाएं। चंद लोग देश पे कब्जा नहीं कर सकते, आप लोग असली मालिक हो। और इस बार विपक्ष इलेक्शन नहीं लड़ रहा, देश की जनता इलेक्शन लड़ी है। एक तरफ है तानाशाह और एक तरफ है देश की जनता। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस तरीके से जो भाजपा जो है भ्रष्टाचार हटाने के वादे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास 4 करोड़ रुपए बरामद हुए, इसी चीज पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बलराज सिंह मलिक जी। बलराज जी, मोदी सरकार चल रही है देश में, उन्होंने नारा दिया जा रहा है 400 पार, बीजेपी सरकार फिर से आएगी, वो तीसरी बार बनेंगे पीएम मोदी जी। ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जैसे मदारी तमाशा दिखाने से पहले कुछ बातें कहता है ना, लोगों को लगता है कि भाई ये ऐसे ही करके दिखाए, ड्रामेबाजी है। लोगों को साइकोलॉजिकली दिमाग में ये बैठाना चाहते हैं कि तो जीतने वाले तो यही हैं, ताकि काफ़ी लोग वोट ना डालने जाएं जो सरकार के खिलाफ वोट डालना चाहते हैं, और काफ़ी लोगों की हिम्मत तोड़ना चाहते हैं ताकि वो इस पार्टी के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार ना कर पाएं। दिल से प्रचार करो, दिल से प्रसार करो और सब लोग वोट डालो। जिसकी वोट अभी नहीं भी है मान लो, उसको ठीक करा के वोट बनवाओ और वोट डालनी है सबको। जो करप्ट लोग हैं उन पर कंट्रोल कर दिया है मोदी जी ने। सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्ट आदमी कोई है इस वक्त, और इलेक्ट्रल बोर्ड में जो भी चीज़ें सामने आई हैं, अभी तो पीएम केयर फंड बाकी है, उसकी जांच कराने का आश्वासन अपने उस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया है। अभी तो पूरा देश मांग रहा है कि इस बहुत सारी गड़बड़ मिलेंगी, और इलेक्ट्रल बॉन्ड की भी जो इन्फॉर्मेशन अभी मिलनी चाहिए तो पूरी नहीं मिली है, बहुत बड़ा घपला है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर पे लोग पसंद नहीं करते ऐसे प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि लानत देते हैं ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जो आदमी झूठ बोलता है। सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर वकील मानते हैं कि आज इस देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो आज तक का सबसे झूठा, सबसे डरपोक, सबसे फ्रॉड प्राइम मिनिस्टर है देश का। करप्ट लोग या तो जेल जा रहे हैं या फिर बीजेपी में जा रहे हैं। जो असली करप्ट है वो तो बीजेपी में जा रहे हैं, जो करप्ट नहीं है वो सामना कर रहे हैं। इसलिए जेल वेल में तो इस देश में कौन सबसे ज़्यादा जेल में गया था, जेल में कौन गए थे, भगत सिंह जेल में गया था। जेल में जाने वाले लोग हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए, और बदमाश लोग हमेशा देशभक्त लोगों को और अच्छे लोगों को जो उनकी सही में उनकी सारी बातें जानते हैं और जो जनता के खिलाफ वो काम करते हैं, उनके खिलाफ जो लोग बोलते हैं, उनका स्थान जेलों में है, और बहुत बार वो जेलों में भेजे जाते हैं। गुलाम भारत में भी ऐसा हुआ और आज भी वही हो रहा, उसी का रेपुटेशन हो रहा, उसी को दोहराया जा रहा है, देश सब तमाशा देख रहा है। इसलिए अब इनके MLA MPओं को और प्राइम मिनिस्टर और CM चीफ मिनिस्टरों की रैलियों में लोग नहीं जा रहे। लोग समझ रहे हैं भ्रष्टाचार के पैसे से गुलाब के फूल फेंके जा रहे हैं, अपने ऊपर भी फेंक रहे हैं, लोगों के ऊपर भी फेंक रहे हैं। भ्रष्टाचार का पैसा सबसे ज़्यादा बीजेपी के पास है, एक नंबर का भ्रष्टाचार का पैसा भी सबसे ज़्यादा है। अब तक ED, इनकम टैक्स और CBI को इनको पकड़ लेना चाहिए था, देश के वित्त मंत्री को, गृह मंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को। देश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, फ्यूचर में ये मांग भी करेंगे, इस देश में जब भी इलेक्शन हो राष्ट्रपति शासन लागू करके होना चाहिए। ये कार्यवाहक सरकार नहीं, उसमें भी ये लोग बदमाशी करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के कमेटी जजों के अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में इलेक्शन हो, वरना बहुत सारे पपेट जो इलेक्शन कमिश्नर के रूप में आज लोग बैठे हैं, जल्दबाजी में जिनके अपॉइंटमेंट किए, उन पे 0% विश्वास है इस देश के लोगों को। इसलिए उनसे भी निवेदन है, कोई भी इलेक्शन कमिश्नर, उसके घर वाले, अपने अपने इलेक्शन कमिश्नर, माता पिता पतियों को समझाएं, देश के साथ गद्दारी ना करें, देश के संविधान के अनुरूप काम करें, और देश के सभी कर्मचारियों को जिनके इलेक्शन में ड्यूटी लगे, फ्यूचर में देश के सभी, इवन मिलिट्री को, पैरामिलिट्री फोर्स के भाइयों को, अफसरों को, सबको निवेदन है, ये देश आपका, हमारा सबका है, वी द पीपल, हम सब भारतीयों का है। इसमें किसी एक प्राइम मिनिस्टर, CM, PM या किसी ऑफिसर के कहने पर कोई गलत काम नहीं करो, अपने देश के साथ खड़े हो जाओ, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपके कंधों पे है। कोई अकेला चीफ जस्टिस, कोई अकेला प्राइम मिनिस्टर, कोई अकेला गृह मंत्री, कोई अकेला पैरामिलिट्री फोर्स का डायरेक्टर या फौज का कोई कप्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता। असली काम करना नीचे वालों ने, और नीचे वाले लोग देश के साथ खड़े हो जाएं, संविधान को फॉलो करें। इस तरह के भ्रष्टाचारी मंत्री, संतरी, PM, CM कोई भी अगर आपको गलत काम कराना चाहता है, बिल्कुल उनकी ना माने और देश के साथ दिल से अपना काम करें, और बताएं जनता को चुपचाप, अगर आप खुद नहीं
बता पा रहे हैं, चुपचाप किसी को बताएं ताकि आप लोगों का नाम भी ना आए और सरकार का भ्रष्टाचार पकड़ा जाए और इनको हम नंगे कर पाएं और सुप्रीम कोर्ट के सामने ला के इन लोगों को जेल में उसी तरह से जैसे कि चंडीगढ़ के इलेक्शन में, मेयर के इलेक्शन में वहाँ के उसने किया था, जो इलेक्शन ऑफिसर था, रिटर्निंग ऑफिसर था अनिल मसीह। तो आने वाले समय में अगर चीफ इलेक्शन कमीशनर, इलेक्शन कमीशन या पुलिस कप्तान या कोई पैरामिलिट्री फोर्स के बड़े अधिकारी इसी तरह का काम करें, चुपचाप बताएं देश के लोगों को और वकीलों को, ताकि उनका हाल वही हो जो अनिल मसीह का हुआ है और उस तरह ये लोग जेल में जाएं। चंद लोग देश पे कब्जा नहीं कर सकते, आप लोग असली मालिक हो। लेकिन आधी कांग्रेस तो बीजेपी में चली गई सर। आधी कांग्रेस बीजेपी में चली गई है, जिन्होंने ठगी मार रखी है, जिन अजगरों ने हिरन निंगले हुए हैं और हिरन हजम नहीं हुए हैं, वो झाड़ी की उसमें जाते हैं, छाया में जाते हैं, वो सुरक्षा में जाते हैं, उसी तरह के नेता भाग के गए, उनको शर्मानी चाहिए। अब वो सदा सदा के लिए लोगों के दिलों से गिर चुके हैं, फ्यूचर में उनका कोई फ्यूचर बचा नहीं पॉलिटिकल ऐसे। हिंदुत्व की काट क्या है, जो सॉफ्ट हिंदुत्व है कांग्रेस को, उससे वोट नहीं मिलने वाला कांग्रेस को। हिंदुत्व की क्या काट है, कौन हिंदुत्व, कैसा हिंदुत्व बनाया उन्होंने, मंदिर की धार काटनी है, क्या करना मंदिर का बताओ, मंदिर धार देगा क्या। मैं जिस स्टेट से आता हूँ हरियाणा से, हमारे यहाँ एक कहावत है, अरे सर मुक्केबाज चले गए या पहलवान भी जा रहे हैं। नहीं नहीं, कोई मंदिर मंदिर का कोई काम नहीं है, मंदिर सेकेंडरी हमारे लिए, हमारे लिए भाईचारा सबसे पहले है, हमारे इंसानियत सबसे पहली है। इंसानियत और भाईचारे में अगर कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर रास्ते में आता है, उनका कोई महत्व नहीं। इस मुक्केबाज चले गए हैं, भाईचारा कहाँ है, केवल वायलेंस है। मुक्केबाज कौन कहाँ चला, विजेंद्र, विजेंद्र अपना डर गया होगा, कोई बता रहा उसका, उसका कोई बता रहे हैं, कोई पुराना केस वेस होगा या हो सकता है उसको डरा के बेचारे को ले लिया होगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो बैंड हो जाते हैं, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, भिखारी लोग हैं जो जल्दी से अपनी मजबूरी की वजह से चले जाते हैं इधर उधर। सम्मान वाला आदमी कोई जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं समाज में, जिस समाज से वो आता है उसी समाज से मैं आता हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे चाहे खिलाड़ी हो चाहे नेता हो, इवन चरण सिंह के पोते की भी कोई इज्जत समाज में बची नहीं है, उसने ब्याज व्याज जो था उसके दादा का वो भी खा चुका है, वो अब वो एक तरह से जनता की नज़रों में बैंकक्रप्ट नेता हो चुका है। विपक्ष के पास में जो है कैंडिडेट नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए सर, विपक्ष के पास बहुत कैंडिडेट हैं, वो इनके षड्यंत्रों को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं बीजेपी के और सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, भाई ये खड़े कर लेंगे, जल्दबाजी क्या है, कैंडिडेट बहुत हैं, बहुत लोग टिकट लेने के लिए घूम भी रहे हैं, मगर टिकट उस वक्त उसी हिसाब से दी जाएगी ना, पहलवान को किस पहलवान से खिलाना है वो जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी का। और इस बार विपक्ष इलेक्शन नहीं लड़ रहा, देश की जनता इलेक्शन लड़ी है, एक तरफ है तानाशाह और एक तरफ है देश की जनता। अच्छा नोटबंदी, किसानों तीन कानून जो थे, ये मुद्दे रहेंगे क्या इस बार, लग रहा है जैसे कोविड में लोग पैदल जा रहे थे, मरे थे भूखे, पूरे रहेंगे। एक एक आदमी जो पैदल जा रहा था वो हिसाब चुकता करेगा, एक एक आदमी जो बेचारे लाइन में लगे थे नोट बदलवाने के लिए वो हिसाब करेंगे, एक एक आदमी वो जब पहलवान खिलाड़ियों के साथ जो बदतमीजी हो रही थी और पूरा देश देख रहा था, माता बहनें देख रही थी देश की, वो हिसाब करेंगी। एक एक समाज का वो आदमी जो गरीब बहन बेटी के साथ रेप किया जाए और बिना माँ बाप की इजाजत के रात के फूके गए, फूकी गई जो बेटी हमारी, उसको समाज जो देख रहा था, लोगों की आंखों में आंसू थे जिस खबर को पढ़ के। ये नहीं है कि कौन किस समाज का, उस वक्त पूरी इंसानियत जागती इंसान की, वो सब हिसाब किताब करेंगे। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को सबसे बड़ा स्कैम बताया है वित्त मंत्री के हस्बैंड ने, क्या मुद्दा बनाएंगे इसको विपक्ष के लोग? अरे विपक्ष के लोग तो मुद्दा बनाए हुए हैं, सरकारी तंत्र गुलामी का शिकार है, सरकारी तंत्र वही काम कर रहा है। पहले तो ईडी, आईटी और सीबीआई के सारे अधिकारी बदल देने चाहिए तुरंत, इन इलेक्शनों तक जब तक ये वो आचार संहिता लागू है, तुरंत बदलने चाहिए ये लोग एक तरह से इसी तरह काम करें जैसे भाड़े के टट्टू काम करते हैं, ये देश में नहीं चलेगा, डेमोक्रेसी में ये नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी में लोगों की गरिमा और कानून एक जैसा, सब पे बराबर कानून, सबको कानून की बराबर सुरक्षा। लेकिन सर मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं पूरे देश में, कहीं रोड शो कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं वो चुनाव जीतने के लिए, विपक्ष वो काम नहीं कर पा रहा है। विपक्ष कहाँ है इस बार, तो विपक्ष तो देश की जनता है भाई, एक तरफ तानाशाह घूम रहे हैं देश में, एक तरफ देश की जनता नजर बनाए हुए है, देश की जनता सब कुछ हिसाब किताब बराबर करेगी, वो सब लग रहा पसीने आ रहे हैं और गड़बड़ नहीं हो पाएगी, जो गड़बड़ करेगा वो फंसेगा, वो जेल में जाएगा। और जनता इस बार तो नेताओं की लाल बत्तियों की, चाहे मिलिट्री के ऑफिसर हों, चाहे कोई भी गाड़ियों में अफसर हों, बंदूकों के लेके जो सुरक्षा करेंगे वीवीपैट की और मशीनों की, या कहीं भी बूथों
पे जनता सबकी चेकिंग करेगी खुद। जनता सबसे बड़ी मिलिट्री है, जनता सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, जनता सबसे बड़ी न्यायाधीश है, जनता सबसे बड़ी अदालत है। जनता की अदालत में 5 साल में एक बार लगती है। जनता सबकी चेकिंग करेगी, जो कैश लेके घूम रहे हैं उनका हिसाब किताब करेगी। सरकारी गाड़ियों में घूमेगा कैश इस देश में और जनता ही पकड़ेगी उसको। तमिलनाडु में बीजेपी नेता के पास में 4 करोड़ रुपए मिले कैश, काम कार्यकर्ता है वो। अरे 4 करोड़ मिले खाली, इनके पास तो 40,000 करोड़ कैश पड़ा है, 40,000 करोड़ रुपए कैश पड़ा है। अगर इनकी सबकी जांच की जाए, सारे नेताओं को नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग इनके करवाई जाए, बीजेपी के जो नेता हैं अकेले उसी की करा लो, इनके गृहमंत्री की और प्राइम मिनिस्टर की, दो आदमी की करा लो, अभी हो जाएगा इलेक्शन, अभी इलेक्शन हो जाएगा। अगर ब्रेन मैपिंग और उसको झूठ पकड़ने वाली मशीन पर प्राइम मिनिस्टर को गृहमंत्री को लिटा लो तुरंत, इनको अगर ये सच्चे पाए गए तो बिना इलेक्शन के देश पूरा इनके साथ हो जाएगा, यूनैनिमस बना देंगे दोबारा प्राइम मिनिस्टर। तो ये थे हमारे साथ बलराज सिंह मलिक जी, जिस तरीके से क्या 400 पार का नारा सिर्फ नारा ही बन के रह जाएगा। तो इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।